वडोदरा शहर में स्नानागर बंध हालत में छे। मनपा संचालित पांच में त्रण स्नानागर बंध हालत में छे। 1974 में बनेलो लालबाग स्नानागर जर्जरित हालत में छे। कोचनी ऑफिस की छत में पोपड़ा पड़ी रहा है। स्नानागर मोटा भागना बांधकाम में तिराड़ो पड़ी गई है। समारकाम माटेनी ग्रांटनो पण उपयोग करवामां नथी आव्यो। वधु विगत मेळवीए संवाददाता मानु चावड़ा पासेथी। मानु, वडोदरा शहर में पांच स्नानागर मनपा संचालित छे, छतां पण तेनी हालत छे ते खस्ता छे। भविता, पहेला बे वर्षथी कोरोना की स्थिति कारण बंद करेला जे स्नानागर छे, एटले के स्विमिंग पूल छे, बंद हालत में छे। कोर्पोरेशन संचालित पांच मांथी त्रण स्विमिंग पूल अत्यार हाल बंद छे, एटले हजु सुधी चालू थई शक्या नथी। सरकारे तमाम नियंत्रणो हटावी दीधा पछी मंजूरी पण आपी छे के स्नानागर चालू करो, परंतु कोर्पोरेशन द्वारा हजु सुधी चालू करवामां नथी आव्या। स्विमिंग पूल में मोटा भागनी जग्याए बांधकाममां तिराड़ो पड़ेली जोवा मळी रही छे। समारकाम न करवाना कारणे स्विमिंग पूल चालू थई शक्या नथी, एटले जे स्विमरो छे, जे एक्सरसाइज करवावाळा लोको छे, ए अत्यारे स्विमिंग पूलनी सुविधाथी वंचित छे। मांग उठी छे कि कोर्पोरेशन वहेली तके आ स्विमिंग पूलनुं समारकाम करी अने शरू करे, कारण के छेल्ला बे वर्षथी स्विमिंग पूल बंद छे, त्यारे कोर्पोरेशने करोड़ों रूपियाना खर्चे तैयार करेला स्विमिंग पूल लोकोने उपयोगमां आवे एना माटे शरू करवानी मांग अत्यारे उठी रही छे। भाविका, बिल्कुल मानो, धन्यवाद जानकारी बदल। जी रीते कोरोना काल में तमाम वस्तुओं बंद कर तरह स्विमिंग पूल बंद कर, परंतु राज्य सरकार ना आदेश बाद वडोदरा महानगर सेवा सदन में पांच स्विमिंग पूल आया है। एमा बे स्विमिंग पूल चालू है, त्रण हजू पर बंद हालत में है। साथ कही है लालबाग में स्विमिंग पूल है तद्दन बदतर हालत में है। रिपेरिंग खर्चो करवानो है, राज्य सरकार नाणा आपे, कोर्पोरेशन पास नाणा है, छतां वागोड़ों स्विमिंग पूल चालू नहीं करता। बीजी बाजु अमे ज्यारे स्विमिंग में जाइए त्यारे अमारुं जे आखू ग्रुप छे ए स्विमिंग करवा मांगी रह्युं छे, परंतु बंद होवाना कारणे अमे त्यांथी पाछा आईए छे। जो स्विमिंगनुं चालू थाय तो तमामना आरोग्य साथे आरोग्य जळवाई रहे, सारी सुविधाओ अमने मळी रहे, त्यां आगळ शरीर पण रुष्टपुष्ट थाय। परंतु वडोदरा महानगरपालिका क्यांक ने क्यांक आ त्रणे त्रण स्विमिंग पूल चालू नथी करता, तेने वडोदरा शहेरना लोकोने अन्याय थई रह्यो छे। अने कोविड तो बहानुं छे, पण तमे समा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्समां जे स्विमिंग पूल छे एनी वात करशो तो स्पोर्ट्स ऑथोरिटी ऑफ गुजरात ने हेन्डओवर करवामां आवेलुं। खूब अधड़क फीस लेवा छतां भी त्यांनी सर्विसेस में कायम बूमो पड़ती थी। एमां क्लोरिनेशन प्लांट बराबर नहोता चालता, फिल्ट्रेशन प्लांट बराबर नहोता चालता, ने अवार नवार त्यांना जे स्विमर्स हता ए लोको फरियाद करता था। इनफेक्ट आंदोलन भी ए लोकोए पास्ट में करेला छे। अने कोरोना आव्या पहेला ज मारा ख्यालथी ए तो मेन्टेनन्सना अभावथी बंद थई गयुं हतुं। एवा संजोगमां स्पोर्ट्स ऑथोरिटी ऑफ गुजरात जे रीतनुं काम करे छे एने रिव्यू करवानी जरूर छे। 400-400, 500-500 करोड़ खर्चीने जे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाव्या छे, आटली भारे भरकम फीस लईने जो नागरिकोने एनो बेनिफिट ना मळतो होय तो चोक्कस कॉर्पोरेशने स्वहસ્તક લઈ લેવા જોઈએ અને પોતે જ આ સ્પોર્ટ્સ કોમ્પ્લેક્સની નિભાવણી કરવી જોઈએ। 15 ઓગસ્ટથી કારેલી બાગનો સ્વિમિંગ પૂલ કાયમી જે સ્વિમર્સ છે એમના માટે શરૂ થઈ ગયો છે। રાજીવ ગાંધી સ્વિમિંગ પૂલ જે વાઘોડિયા રોડ સ્થિત છે એ 17 સપ્ટેમ્બરથી શરૂ થનાર છે, અને બાકીના બે સ્વિમિંગ પૂલ છે એ પણ તુરંત શરૂ થનાર છે।